alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or B.S in English can seek help. Our today's course is uh, philosophy, and I'm gonna tell you expected questions of philosophy and important university questions about philosophy. And uh, before starting this video, guys, please subscribe my channel and uh, press the bell icon as well. To get notification of my new videos and video to please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. if you don't understand, please tell me by commenting. and if you need another topic please tell me in the comment box. now I'm gonna start the topic. क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फलासफ़ी आल्सो हाईलाइट इट्स वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस सबसे पहला जो क्वेश्चन है फलासफ़ी के मतलब वो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और वो है कि फ़लासफ़ी की डेफिनेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यूज़ को हाईलाइट किया जाए तो इसका आंसर नीचे फ़लासफ़ी मीनिंग्स दिया गया है आप यहाँ से रीड कर लें और इसे अपने नोट्स में तैयार करके क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो सारे यूनिवर्सिटी के मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड ये नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी फिलोसफी हैज़ थ्री पॉइंट्स एंड नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन्स बताई गई हैं सबसे पहले मीनिंग्स आपने लिखना है फिलासफी का फिर डेफिनेशन लिखनी है फ़िलासफ़ी की उसके बाद फलासफ़ी की डेफिनेशन्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया उन तीनों के बारे में बताना है ये सारे यहाँ पे कोटेशन ऐड करके बताई गई हैं आप इन्हें फॉलो कर लें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और नेक्स्ट अब आती है वैल्यू ऑफ़ फ़िलासफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ़िलासफ़ी वट इज़ द वैल्यू ऑफ फ़ फ़िलासफी ये भी नेक्स्ट बताई गई है और जो क्वेश्चन नंबर टू है वो व्हाट इज़ द स्वेच कन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट्स हाउ फार इज इट एन अचीवेबल आइडियालॉजी अब बताना है कि नीट से कन्सेप्ट ऑफ अबरमेंस क्या था तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की शेप में सारा बताया गया है आप यहाँ से कर सकते हैं और गाइज मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर किसी को ऑनलाइन यानी कि जिनके पेपर होते हैं या एक्सपेक्टिव या यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे ये वो क्वेश्चन है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे एग्जाम हो रहे थे तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं तो उस वीडियो का लिंक आपके इस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा आप वो देख लीजिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अब ये क्वेश्चंस भी कम्प्लीट हुआ और थर्ड क्वेश्चन है राइट अ कम्प्रीहसि नोट ऑन लेबल मरद मोमिन वाई शुड अ मुस्लिम स्ट्राइव आफ्टर हिज स्परिचुअल सब्लिमेंटरी अब कोहैसिव नोट लिखना है मरद मोमिन पर और शुड अ मुस्लिम स्ट्राइव आफ्टर हिज स्परिचुअल स्टबिलिटी ये बताना है तो मर्द मोमिन इलामा इकबाल मर्द मोमिन एज़ बयान किया गया है इसमें आप इसे रीड करके अपने नोट्स तैयार करें और मैं आप बिलीव करें कि इनमें से आपको पक्का क्वेश्चंस आएंगे और ये लास्ट पर बताई भी गई हैं कि मर्द मोमस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर है कि व्हाट इज़ रिलीजन रिलीजन क्या है उसके बारे में बताना है और साथ ही क्वेश्चन नंबर फोर फोर का हाफ जो पार्ट है फोर क्वेश्चन नंबर फुल था कि व्हाट इज़ रिलीजन एंड व्हाट आर द कॉमन एंड अनकॉमन पॉइंट्स बिटवीन फलोसफी एंड रिलीजन तो व्हाट इज़ रिलीजन तो ये हो गया व्हाट इज़ रिलीजन रिलीजन की लिखें डेफिनेशन और नीचे ये पॉइंट्स लिखें और उसके बाद कॉमन एंड अनकॉमन पॉइंट्स बिटवीन फलोसफी एंड रिलीजन तो ये मैंशन किए हुए हैं ये भी लिखें और इसे समझें तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन राइट आर डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द टू एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एम्प्रेसिज्म आपको नोट लिखना है दो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक पर एग्जिस्टेंशियलिज्म पर लिख लें चाहे एम्प्रेसिज्म पर तो मैंने एम्प्रिसिज़म को चूज़ किया क्योंकि एम्प्रिसिज़म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए तो इसका आंसर आप देख सकते हैं जो है टाइप्स ऑफ एम्प्रेसिजम थ्री टाइप्स हैं क्लासिकल रेडिकल एंड मॉडरेट और ये सारी बयान की गई हैं यहाँ पे और ये है लास्ट पेज इसका ओके okay गाइस ये थी आज की वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो किसी और टॉपिक की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक मिलेगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विज योर फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज